देखिए आई थिंक ये मेरे ख्याल से डिसाइड हो गया कि मैचेस इधर हो रहे हैं, और जो लाहौर के फैंस हैं वो चाहते हैं कि मैचेस इधर हो। और आई थिंक जो उन्होंने पिछले साल पूरी टीमों को सपोर्ट किया, सिर्फ एक लाहौर कलंदर को नहीं, पूरी टीमों को जैसे सपोर्ट किया, तो आई थिंक ये क्रिकेट के लिए अच्छा है कि मैचेस हो। जो क्रिकेट्स के फ़ैन हैं वो चाहते हैं कि क्रिकेट हो पाकिस्तान में और लाहौर में हो, क्योंकि लाहौर में आप देखिए सबसे ज़्यादा क्राउड आता है आई थिंक, और मेरे ख्याल से मैचेस होने चाहिए। देखिए जो मिर्ज़ा भाई ने जैसे बात की, जिधर डिसाइड हो गया उधर मैचेस होने चाहिए, तो आई थिंक जैसे एज अ प्लेयर हम चाहते हैं कि लोग आए हमें सपोर्ट करें, टीमों को सपोर्ट करें, तो प्लेयर को ख़ुद ये चीज़ें चाहिए होती है कि यार लोग आए, क्राउड आए। और मैचेस आजकल इतने अच्छे मैचेस हो रहे हैं, सारे एक एक दो दो रन्स पे डिसाइड हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लाहौर में मैचेस होने चाहिए और जो क्राउड है वो ज़्यादा इंटरटेन होगा इस दफ़ा। भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि इस बार जो क्रिकेट फैंस हैं वो थोड़े से नाराज़ हैं, टिकट के रेट बहुत ज़्यादा हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, और जब से ये इशू शुरू हुआ है पैसों का लेन देन का, तो क्रिकेट फैंस कहते हैं कि जब ये लोग पैसे ज़्यादा ले रहे हैं टिकटों के माध्यम में, तो पैसे अब गवर्नमेंट को दे भी, तो इसको आप कैसा देख रहे हैं? आपको समझते हैं कि टिकटों के रेट कम होने चाहिए थे? देखो, रेट तो रिलेटिव टर्म है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपका 2 करोड़ की आबादी है आपके लाहौर की, और आप सबर्ब्स भी डाल लें, तो सेंट्रल पंजाब के अब 6-7-8 करोड़ तक चली जाती है बात। सो स्टेडियम की कैपेसिटी 20,000 की है आपकी या 25,000 की है, तो ज़रूरत इस समय की है कि आप स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़ाएं, और उस कैपेसिटी को जब हम इन्हेंस करेंगे तो फिर हम उन भाइयों को भी साथ लेके आ सकेंगे जो उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कलंदर तो वैसे भी अपने फैंस के लिए कोई ना कोई स्कीम उन्होंने निकाली होती है, तो इंशाल्लाह उसमें इस दफ़ा भी हमने निकाली हुई, और बहुत से फ़ैन हमारे जो डाई हार्ट फैन हैं वो आके इंजॉय करेंगे मैच में फ्री टिकट के साथ। थैंक यू जी। लास्ट में हम जानते हैं कि सर पाकिस्तान चल रहा है, देखिए जब भी लाहौर में मैचेस होते हैं आपको पता है कभी कोविड आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो किस्मत ऐसी पाई है हमने, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है और तवक्को है कि पीसीबी जो भी फैसला करेगा और पंजाब गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी वो लाहौर के 2 करोड़ आवाम को दिलों में और जहनों में रख के करेगी। इस मुल्क में आगे एंटरटेनमेंट का फुकदान है, और अगर पंजाब में क्रिकेट नहीं होगी तो लोगों के दिल टूटेंगे। हम हमारी तो टीम है, अब आप कराची कहेंगे वहाँ खेल लेंगे, लंडी कोतल कहेंगे वहाँ खेल लेंगे, वो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असल फ़र्क पड़ता है लाहौरियों से। तो अगर लाहौरियों की खुशी है तो मेरे मेरे ख्याल में उनकी खुशी की खातिर हमें कुर्बानी देनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा था शाहीन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से वहाँ सवाल कर लेंगे, आप पिछले साल इनको सर गैरी सुपर्स ट्रॉफी मिली है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इस साल बाबर आजम को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है, और इन दोनों के साथ बाबर और शाहीन के साथ आपने काम किया है, रिजवान को अवार्ड मिला है, शादाब इस साल आईसीसी टीमों में है, तो कितना अच्छा लगता है? अगला अवार्ड मुझे तो नहीं मिलना, मैं काम करने लगा। आप दिल से कवर कर रहे हैं, देखें क्या कहेंगे इन पाकिस्तानी प्लेयर्स के, गो के इंडिया यहाँ पे नहीं आ रहा, हमारे यहाँ इवेंट नहीं होते, अब आहिस्ता आहिस्ता टीम में आ रही है, उसके बावजूद ये जो स्टार प्लेयर है ये पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। देखें, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है कि आपके मुल्क का जो फ़ख्र होते हैं ये प्लेयर, और ये अगर उन रैंकिंग्स में है पूरी दुनिया में, देखें लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को उस तरीके से कोशिश करते हैं कि उसको वो रिकग्निशन ना मिले, लेकिन ये अवार्ड्स जीतना, हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के ब्रांड की हम खुद बातें करते हैं, मतलब इससे बाबर आजम, शाहीन, इनसे बड़ा ब्रांड क्या होगा जो कि 3-3 ट्रॉफियां लेके बैठे हुए हैं आईसीसी में, और फिर आपने बाकी प्लेयरों की बातें की, रिजवान ने जिस तरह रिकॉर्ड ब्रेक किए, तो ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए एक फ़ख्र है। हम जो है जहाँ भी जाते हैं हम इस पर, ये अब इनका दौर है, पाकिस्तान इनसे है और ये पाकिस्तान से हैं, तो इससे बड़ी मेरे ख़्याल में इस पूरे मुल्क के लिए, हमारे लिए कोई और इज़्ज़त की बात नहीं है कि ये परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये और पाकिस्तान की टीम को ऊपर लेके जाए। देखें, मैचेस बिल्कुल जो एक पहले डिसाइडेड स्केड्यूल है उसके मुताबिक होने चाहिए, हमें सबको जो जो भी इसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि हमारे तो घर में, मैं तो देख रहा हूँ ना कि बेटे ने पहले से टिकटें ले के रखी हुई हैं, सारे मैचेस की प्लानिंग की हुई है, तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए, लोगों के लिए, और ऐसे
नहीं होने देना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो मैं तो बिल्कुल इस पे हूँ कि आपके जहाँ मैचेस एक दफ़ा डिसाइड हो गए हैं आप बिल्कुल उस तरीके से जाएं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त पीएसएल जा रही है तो उसको हम खाम खा जो है ना वो इसकी वजह से जो कोई उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं हमेशा ये मेंशन करता हूँ कि 2000 अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि 2001 से 17 तक मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ और इतने एक्सपोजर के बावजूद मुझे इस बीमारी के बारे में कभी पता नहीं चला अनलेस के मैं खुद मैंने फ़ेस किया उसको। मेरे बड़े अच्छे दोस्त उनकी बेटी जो पैदा हुई दिल में सुराख था उसके, तो वो जो सारी मुश्किलात डायग्नोज नहीं हो रहा था पहले 2 महीने पता ही नहीं चल रहा था इसकी बीमारी क्या है और फिर फाइनली जाके पता चला तो उसके बाद आगे ट्रीटमेंट का इशू, तो वो उस सारे उन हालात के अंदर वो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है इंशाल्लाह फरहान भाई के साथ मिल के ये जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में है इस पर काम करूँगा और हम कुछ ना कुछ इसके लिए ज़रूर करेंगे। दूसरी बात जो आपने फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स 2017 एंड 18 के शुरू से मैं इनके साथ हूँ, एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और वॉलंटियरली एक बोर्ड का मेंबर भी हूँ और ऐसे ही है, हम सारे जितने भी ये डायरेक्टर्स हैं सारे ऐसे ही है जैसे ही हमारा अपना प्रॉब्लम, हम अपना कोशिश करते हैं टाइम पैसा हर चीज़ लगाने की क्योंकि इसका मकसद कोई और है। और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ खड़े हैं और हमारी हेल्प करते हैं। दूसरी बात जो आपने की कि प्लेयर्स सिर्फ पैसे दे के, देखें प्लेयर्स तो अवेयरनेस का जो इतना बड़ा काम है और उसके अलावा लोगों से जो इनकी अपील है लोगों तक ये पहुंचाना, और यकीन करेंगे पिछली जितनी भी हमारी फ़ंड रेजिंग्स हुई हैं अमेरिका में, टीम ने अभी वर्ल्ड कप उससे पहले शर्ट्स दी जो कि बड़ी महंगी महंगी वहाँ पर ऑक्शन हुई शर्ट्स, तो मैं कहता हूँ कि वो भी जो इनकी जो चीज़ें हैं वो भी इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। और मैं बकायदा इनको वो बताता भी हूँ कि देखें एक एक जगह से आपकी अगर 15,000-20,000 डॉलर की शर्ट जा रही है और वो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हालांकि ये वो कहीं और भी दे सकते हैं अर्न कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी इनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। और अच्छी चीज़ यह है कि मैं खुद भी कई दफ़ा नहीं, मैं किसी एक बंदे को कह देता हूँ तो ये सारे खुशी खुशी वो देते हैं, दो दो तीन तीन शर्ट्स भी दे देते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ऐसे ही हम इसको रिटर्न कर सकते हैं।